नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऑटो इम्यून डिसीजेज़ के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे हम बहुत सारे रोगों से लड़ते हैं। जब कभी बैक्टीरिया, जब कभी कीटाणु और जीवाणु हमारे शरीर को अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया और वायरसेस घूम रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस मेरे चारों तरफ हैं, लेकिन मेरे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ रहा है अभी भी। तो वो इम्यून सिस्टम जब लड़ रहा है उस बैक्टीरिया से, तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। अगर मेरा ये इम्यून सिस्टम जो लड़ रहा है वो लड़ना बंद कर दे या कमज़ोर हो जाए तो मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलर इम्यून सिस्टम, जो हमारा WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और जब कभी हमारे रक्त में बैक्टीरिया चले जाते हैं, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु जब रक्त के अंदर चले जाते हैं, तो वो उनको मारने के लिए वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। और जब हम टेस्ट कराते हैं, कभी हमें बुखार है और हम टेस्ट कराते हैं, तो नॉर्मली ये दिखता है कि वाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, उनको मारने के लिए वाइट ब्लड सेल बढ़ गए हैं और उनसे लड़ रहे हैं। एक तरह से वो एक सिपाही है हमारे शरीर के। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उन सब ऑर्गन्स और सेल्स को मिला के इम्यून सिस्टम बनता है, जिसके द्वारा हमारा शरीर बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और उसकी याददाश्त चली जाए, मतलब इम्यून सिस्टम की अगर याददाश्त चली जाए और आपका इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को, जो नॉर्मल सेल्स हैं आपके शरीर में, जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं, उसको ही डिस्ट्रॉय करने लगे, उसको ही ख़त्म करने लगे, नॉर्मल सेल्स से ही इम्यून सेल्स लड़ने लगे, और उस लड़ाई के दौरान जो लक्षण आते हैं और जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीजेज़। मतलब हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे नॉर्मल सेल्स को और नॉर्मल कोशिकाओं को और नॉर्मल ऑर्गन्स को ही अगर डिस्टर्ब करने लगे और उन्हीं से ही लड़ाई करने लगे और उन्हीं को ख़राब करने लगे, तो उन बीमारियों को ऑटोइम्यून डिसीज़ बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोइम्यून डिसीजेस क्या होती हैं। अब चलते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिसीजेस हो सकती हैं और आमतौर पे हमको कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है। दोस्तों, सबसे आम जो ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है वो है बात, मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस, मतलब RA फैक्टर जो आपका पॉजिटिव होता है। अभी आपने जब चेक कराया हो, ब्लड टेस्ट कराया हो और आपका RA फैक्टर पॉजिटिव हो, तो आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस है और उस कंडीशन को हम बात बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, उस कंडीशन में आपके जो जॉइंट्स होते हैं, आपके जो जोड़ होते हैं, वहाँ पर सूजन हो जाती है और सूजन के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको चलने में, आपको हाथ उठाने में, आपको उंगलियों को ऐसे करने में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों। तो दूसरी जो आम बीमारी है वो है ल्यूपस, मतलब SLE। इस बीमारी में आपको थकान होगी, आपको जोड़ों में दर्द होगा और ख़ासकर यहाँ पर एक रैशेस बन जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो, ऐसा लगेगा जैसे एक तितली जैसा, आपको यहाँ पर पूरी एक लाल कलर की तितली दिखेगी, रैशेस दिखेंगे। तो इस कंडीशन को SLE बोलते हैं और ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है दोस्तों। सो एक आम बीमारी होती है वो भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है और हम सब नहीं जानते। जब कभी हम दूध पी लेते हैं या हम प्रोटीन खा लेते हैं या हम चावल खाते हैं, हम गेहूं खाते हैं और हमें दस्त होने लगती है, और ऐसा हर बार होता है, हमें इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है, तो ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है दोस्तों। एक आम ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है जिसमें हमारा मुँह बहुत तेज़ी से सूखने लगता है और हमारी आंखें सूखने लगती है और हमारी आंखों में चुभन होने लगती है, और उस बीमारी का नाम है साइगोंस डिसीज़। दोस्तों, एक बहुत ही आम बीमारी है पॉलीमलेशिया। दोस्तों, पॉलीमलेशिया बहुत सारे लोगों को होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता। दोस्तों, इस बीमारी में आपको मांसपेशियों में दर्द रहेगा, खिंचाव रहेगा और तनाव रहेगा, और ये बीमारी अगर आपको है तो ये दर्द कभी जाएगा नहीं, कभी कभी ठीक हो जाएगा, कभी कभी हो जाएगा, खासकर शोल्डर जॉइंट में, यहाँ पर आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तनाव रहता है और कभी भी
ठीक नहीं होता, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पॉलीमलेशिया हो सकता है दोस्तों। दोस्तों ऑटो इम्यून में एक बहुत ही आम बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे नर्व सेल्स की कोटिंग, जो ऊपर जो कोटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जिसके कारण हमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसमें आपको चीज़ें दो दिखाई देंगी। मान लीजिए अगर आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, तो आपको मोबाइल भी दो दिखाई देगा और मैं भी दो दिखाई दूंगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपके मांसपेशियों में सबसे पहले खिंचाव और तनाव और दर्द महसूस होता है, और उसके बाद अचानक ही मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण आपको पैरालिसिस हो जाता है दोस्तों। तो एक बहुत ही आम ऑटोइम्यून डिसीज़ है, उसका नाम है एंकाइलोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया था, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, तो आप वो लिंक जाके खोल लीजिएगा और वीडियो वो देख लीजिएगा। तो एंकाइलोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमारे वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, और इस कंडीशन में हमारे रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमें चक्कर आता है, साथ ही साथ आपको हाथ तक दर्द जाता है, कभी कभी हमारे कमर में भी दर्द जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ जाती है तो हम झुक भी जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में पूरा जानने के लिए नीचे वीडियो दिया गया है, ज़रूर उसको देख लीजिएगा। एक आम ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज़, मतलब बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। दोस्तों इस कंडीशन में हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमें डायबिटीज़ हो जाता है दोस्तों। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसका नाम है एलोपेशिया इरेक्टा। इस कंडीशन में आपके बाल झड़ने लगते हैं, और आपके शरीर में चाहे वो सिर के बाल हों चाहे वो दाढ़ी में हों, तो दाढ़ी के बाल कहीं पर पैचेस बन जाए और पूरे दाढ़ी के बाल यहाँ पर झड़ जाएँ, या सिर के बाल पूरे कहीं कहीं 3-4 पैचेस बन जाए और उस जगह के पूरे बाल झड़ जाए। दोस्तों ये थे टाइप्स ऑटोइम्यून डिसीजेस के। दोस्तों बहुत सारी बीमारियां ऑटोइम्यून डिसीजेस के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों हमारे भारत में लगभग 7 से लेकर 8% लोगों को ऑटोइम्यून डिसीज़ है, और दोस्तों ऑटोइम्यून डिसीज़ इतने जल्दी ठीक नहीं होती है। एलोपैथी में कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन ऑटोइम्यून डिसीजेस के लिए नहीं है, होम्योपैथी और आयुर्वेद में मेडिसिन है, लेकिन लंबा समय लगता है ऑटोइम्यून डिसीज़ ठीक करने में दोस्तों। लगभग अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो लगभग 1 से 2 साल लग जाता है ठीक होने में। उस दौरान पेशेंट अगर थोड़ा सा धैर्य रख लेता है तो ठीक हो जाता है, अगर धैर्य नहीं रख पाता है तो फिर वो डॉक्टर टू डॉक्टर ट्रेवल करता रहता है, और कभी भी उसकी ऑटोइम्यून डिसीज़ ठीक नहीं होती दोस्तों। दोस्तों ऑटोइम्यून डिसीज़ के कॉजेस कारण अननोन है, मतलब ज्ञात नहीं है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण से हमारे शरीर में ऑटोइम्यून डिसीजेस हो जाती हैं दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं, अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ हो गया है तो आपको करना क्या चाहिए। आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डायग्नोसिस करानी चाहिए कि कौन सी बीमारी है आपको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या SLE है या क्या बीमारी है। तो सबसे पहले आप डायग्नोसिस, सबसे पहले आप टेस्ट कराएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, और टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन सी ऑटोइम्यून डिसीज़ है दोस्तों। और टेस्ट कराने के बाद अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ है तो होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले, अच्छे डॉक्टर से मिले, जाके दिखाएं और लगातार दिखाएं, धीरे 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 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगता है ऑटोइम्यून डिसीज़ में, तुरंत आराम नहीं होता, मतलब 1 महीने में आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, लगभग 1 साल 2 साल लग जाते हैं, और उसके बाद आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस SLE की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।